कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका टॉपिक था टाइप्स ऑफ एसे विद एग्जांपल्स। उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे रिलेवेंट टू डिस्क्रिप्टिव एसे, यानी के उस वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसे, जिसमें हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए, जिसमें के नरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे एंड आर्गुमेंटेटिव एसे थे। एक वीडियो और पोस्ट की थी जिसमें नरेटिव एसे की कम्प्लीट डिटेल्स हमने शेयर की थी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव एसे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एसे हम किन एसे को कहते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव एसे होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और अगर हम डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना चाहते हैं तो हम वो डिस्क्रिप्टिव एसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एसेज की। वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एसेज कौन से एसेज होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, और अगर हम डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना चाहें तो हम वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एसेज कौन से एसेज होते हैं। इट इज़ एन एसे इन व्हिच द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट अ पर्सन, अ प्लेस और एन इवेंट इन डिटेल्स यूजिंग सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट एन एंगेजिंग पिक्चर इन रीडर्स माइंड। डिस्क्रिप्टिव एसेज ऐसे एसेज को कहते हैं जिसमें के एक राइटर जो है वो लिखता है 5 सेंसेस को यूज करते हुए। अब डिस्क्रिप्टिव एसेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो कि सिंपल एसेज कहलाते हैं और यू कैन से पर्सनल एसेज, एंड नंबर 2 इज फॉर्मल एसेज और फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एसेज। पर्सनल एसेज कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसमें हम अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन के ऊपर हम किसी भी ऐसे लिख रहे हैं, उसके टॉपिक्स होंगे माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर। अगर हम अपने इमोशंस पर लिख रहे हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं माय बेस्ट मेमोरी, माय फर्स्ट मेमोरी, डिस्क्राइबिंग माय फैमिली मेंबर्स या माय बैड डे। इस तरह से आप अपने जो है तमाम एसेज अपने इमोशंस पर लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एसेज की बात करते हैं तो उसमें जो फॉर्मली हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई किसी स्टोरी बुक में लिख रहे हैं, आर्टिकल में लिख रहे हैं या किसी ब्लॉग में लिख रहे हैं, उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो जो है थोड़ी एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज होती है। उसमें हम इवेंट्स की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग अ मेमोरेबल कॉन्सर्ट, यू कैन से बेस्ट समर वोकेशन एवर। इसी तरह से आप एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं माई परफेक्ट जर्नी, और यू कैन द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन एशिया। अब ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसेज। अब हम बात करेंगे कि अगर हम कोई डिस्क्रिप्टिव एसे लिखने की तरफ आते हैं तो वो लिखने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कोई एसे जो है वो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज को लिखने के लिए हमें टोटल 7 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसकी बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिप्टिव एसे लिखते हैं, जिसमें के नंबर 1 जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिएट अ टॉपिक, और यू कैन से चूज अ टॉपिक। कोई भी एसे लिखने के लिए आया, कोई आप नॉर्मल एसे लिख रहे हो या आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, उन तमाम ऐसे लिखने के लिए आपको कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट करना हो। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी जिस तरह से हमने इसकी 2 टाइप सीखी कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल डिस्क्रिप्टिव ऐसेज और फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव ऐसेज, तो इसकी टॉपिक सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान दें कि हम कौन सा ऐसे लिखना चाह रहे हैं। आया हम सिंपल ऐसे और पर्सनल ऐसे लिखना चाह रहे हैं, और हम लिखना चाह रहे हैं कोई भी फॉर्मल ऐसे। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपना जो है कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लें। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमने आया किस चीज़ पर ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन पे लिखना है, किसी ऑब्जेक्ट पे लिखना है, किसी प्लेस पे लिखना है, कोई इमोशन शेयर करने हैं, तो इस तरह से सो ऑन हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्सन पे लिख रहे हैं तो वो किस तरह से लिख सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड,
माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट प्रोफेसर, इस तरह से सो ऑन लिख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे लिखना चाह रहे हैं माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट ड्रेस, माई फेवरेट स्कार्फ, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हुए आप जो है अपना ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक चूज कर लिया है, अब टॉपिक आपने चूज कर लिया है, अब आपने इसका स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमने कोई स्टेटमेंट क्रिएट करना है। अब ये स्टेटमेंट हम क्रिएट करेंगे आया उसकी क्वालिटीज को लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसे लिखने लगी हूँ माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अपने माइंड में एक इमेज बना लूँगी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके। आया वो किस तरह से बोलता है, उसके बोलने का तरीका क्या है, क्या करता है, मुझे वो क्यों पसंद है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मुझे वो बहुत पसंद है, इस तरह से सो ऑन हम जो है वो कोई स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ अब नंबर थर्ड हमारा है गेट द सेंसेस राइट। क्योंकि हमने बात की कि डिस्क्रिप्टिव एसेज कुछ इस तरह के एसेज होते हैं कि जिसमें हम 5 सेंसेस को यूज करते हुए जो है हम कोई एसे क्रिएट करते हैं। अब अगर मैंने ना टॉपिक जो डिसाइड किया है माय बेस्ट फ्रेंड, तो अब मैं एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें के सबसे पहले मैं 5 सेंसेस के नेम लिखूंगी। 5 सेंसेस, सेंस ऑफ व्यू, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट। अब एक रजिस्टर पे हमने ये चार्ट क्रिएट किया। इसके क्रिएट करने के साथ साथ हमने क्या किया, अपने माइंड में एक डिस्क्रिप्शन बना ली कि आया इस तरह से हमने इसको नोट डाउन करना है, इनकी क्वालिटीज इन्हेंस करनी है, इस तरह से हमने इसको यूटिलाइज करते हुए एक बेस्ट एसे क्रिएट कर लेना है। नंबर फोर्थ स्टेप हमारा है क्रिएट एन आउटलाइन। अब हमने क्या करना है, जो हमने ये फर्स्ट 3 स्टेप्स लिए, सबसे पहले हमने टॉपिक क्रिएट किया, स्टेटमेंट बनाए 5 सेंसेस को रखते हुए, एक चार्ट बनाया, देन अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम कुछ आउटलाइंस बनाएंगे एंड देन उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखते चले जाएंगे। जब हम कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे क्रिएट करते हैं, तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम उस पैराग्राफ की सूरत में लिखें। पैराग्राफ की सूरत में ये ज़रूरी है कि उसके लिए हम सबसे पहले अपनी आउटलाइंस क्रिएट करें, ताकि उन आउटलाइंस के बेसिस पे हम अपने ग्राफ है उसको क्रिएट कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है कंक्लूजन, यानी कि हमने पूरा जो ऐसे जो स्टेटमेंट जो आउटलाइंस क्रिएट करके पैराग्राफ्स लिखे हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने कंक्लूड कर लेना है और देखना है कि आया ये जो पैराग्राफ हमने आज लिखा है ये हमने सही लिखा है या नहीं, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको इस तरह से समराइज कीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीट ऐसे रीड नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो कंक्लूजन देखते हैं, आया इसका कंक्लूजन क्या है। अगर आपका कंक्लूजन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कोई ऐसा जो कि रीडर को मजबूर कर दे कि वो आपका कंप्लीट ऐसे रीड करे, तो इतना स्ट्रॉन्ग आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि वो रीडर को अट्रैक्ट करे, मजबूर करे कि वो आपका जो ऐसे है वो रीड करे। नंबर 6 पॉइंट कि आपने जो ऐसे लिखा है, जो ऐसे क्रिएट किया है, उसको रिव्यू कीजिए। आया आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सही हैं या नहीं, या उसमें कोई और इंक्लूडमेंट की ज़रूरत है, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप उसको रिव्यू कीजिए। अगर है तो आप जो है इसमें ऐड कीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आपका माइंड कुछ और होता है, एंड अगर आप छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस आके अपने इस एसे को रिव्यू करेंगे, तो उस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक लेके भी आप उसको दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं कि आया आके ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने ऐड नहीं किए, भूल गए हैं, दोबारा ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को जो है वो रिव्यू करेंगे। अब बिल्कुल 7 एंड लास्ट स्टेप है फिनिश इट अप, मींस कि आपने कंप्लीट ऐसे लिख लिया है, अब आप अपने ऐसे में अपनी ग्रामेटिकल एरर्स, अपनी स्पेलिंग एरर्स, ये सब फाइंड आउट करेंगे। आया अगर आप रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो हाँ थरली चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं वर्ड वगैरह पे टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन हो, एक स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके तो वहाँ से अपनी ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं अपने ऐसे से। तो व्यूअर्स ये मेरी एक छोटी सी काविश थी कि जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना चाहते हैं, तो आई थिंक ये जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ बेहतरीन टॉपिक्स शेयर करूँ। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे टॉपिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग शेयर किए जाए, उनको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।